एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, इनकी तबीयत ख़राब रहती है, तो बस हम चेकअप के लिए ही जा रहे हैं भुवनेश्वर। तो भद्रक से लगभग 3 घंटे का रास्ता है भुवनेश्वर, तो एम्स में ही हम चेकअप करवा रहे हैं इनका, तो वहीं का इलाज चल रहा है इनका। तो देखिए फ्रेंड्स, हम पहुँच गए थे 11 बजे के करीब, रास्ते में ब्रेकफास्ट भी किया था हम लोगों ने, और फिर पहुँच के चेकअप वगैरह हो गया, मैंने अंदर का कुछ भी सूट नहीं किया, और अभी बज रहे हैं 1 और चेकअप हो गया। हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं, ड्राइवर पार्किंग से गाड़ी लेकर आएगा, तब तक हम बैठे हैं यहाँ पर। तो बस गाड़ी लेकर आ गया तो हम बस अब निकल जाएंगे सीधा भद्रक अपने घर के लिए, और रास्ते में ही लंच कर लेंगे। तो दोस्तों, घर पहुंच गई थी 4:30-5 बजे के करीब हम घर पहुंचे थे। पहुंचने के बाद चेंज वगैरह करके थोड़ा रेस्ट किया, और उठने के बाद दिया बत्ती कर ली हूँ और बस रख दी हूँ चाय, क्योंकि कहीं भी जाओ तो थकान तो हो ही जाती है, और थकान मिटाने का सबसे अच्छा तरीका चाय से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, अब आ गए हैं। सबसे पहले थोड़ा सा रेस्ट की थी चेंज करने के बाद, और अब बना ली हूँ चाय, और ये सब सब्जी लेके आए थे, वहाँ पे बहुत ही सस्ता मिलता है तो ले आए थे रास्ते से ही थोड़ी बहुत सब्जी, और पहले पी लेते हैं चाय, फिर मिलेंगे आप लोगों से फिर से। तो फ्रेंड्स, अब मिले नेक्स्ट मॉर्निंग शाम को चाय पीने के बाद, मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था, तो आज है गुरुवार, तो फिर से सुबह की शुरुआत चाय से। चाय पी लेती हूँ, फिर लगूँगी अपने एनर्जी के साथ काम में। तो बस चाय पीने के बाद, घर के जो भी क्लीनिंग वगैरह थे सभी काम निपटाने के बाद नहा ली थी, और गुरुवार था तो आज येल्लो साड़ी पहनी हूँ, और पूजा पाठ कर ले रही हूँ सबसे पहले, उसके बाद बनाऊँगी नाश्ता। तो कल रास्ते में ना हम रुके थे खाना खाने के लिए, लंच के लिए, तो वहाँ पर मंडी लगी हुई थी, सब्ज़ी बहुत ही सस्ती मिल रही थी, तो हम लोगों ने खूब सारी सब्ज़ियाँ भी ले आई थी। तो बस मंदिर की घर की पूजा हो गई है, और आज गुरुवार है सो केले के पेड़ की भी पूजा कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग जो है 2-3 दिन का मिलके, कुछ कुछ क्लिप मिलके मैंने एक ब्लॉग तैयार किया, क्योंकि बस कुछ कुछ क्लिप ही मतलब शूट करना हो रहा था इन दो तीन दिनों में, तो बस दोनों तीनों दिनों का मिलाकर ही मैं एक ब्लॉग तैयार करके आप लोग के सामने पेश कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आए। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। ब्लॉग देखकर पसंद आए, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, और एक छोटा सा कमेंट भी कर दिया कीजिए। आप लोग के छोटे से कमेंट से भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत ही खुशी मिलती है फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग, और मैं अभी अभी नहा के आई हूँ, और देख रही हूँ क्या खुशी कुछ बना रही है, तो आज खुशी बनाएगी पास्ता, तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, आगे आप लोग को खिलाऊंगी तो क्या बस बोल ही पाऊँगी, बाकी खिला नहीं पाऊँगी। तो चलिए इसको बनाने देते हैं, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। तो सबसे पहले पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, जिसमें नमक डाला है और रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, और यहाँ पर देखिए खुशी ने तैयारी कर ली है, प्याज कट की है, लहसुन कट की है, और कैप्सिकम, गाजर। नमक डालना ना तो नमक नहीं डाले कितना डाल दे थोड़ा सा।
बॉइल की वही पानी है बस। तो शाम को भी बना के खाई थी पास्ता, सबको ही खिलाई थी, खुद अकेले नहीं, हम सब भी खाए थे। तो इसका फिर सुबह मन हो गया कि मुझे पास्ता खाना है, तो बाकी जो बचा हुआ था थोड़ा सा पास्ता वो आज मॉर्निंग में भी बना ली है। तो अभी मैं और ये खाएंगे और रख देंगे। केशव अभी तो गया है बाहर, आने से वो भी खाएगा। तो डन हो गया है हमारा पास्ता और मैं नाश्ते में भी यही खाऊँगी और कुछ नहीं। और फिर मैं यहाँ पर खाना भी अभी चढ़ा दूँगी, सब्जी वगैरह सब फ्रिज से निकाल के रख ली हूँ। तो ये बरबट्टी परवल और क्या है सलाद बनाऊंगी, तो टमाटर ककड़ी सब निकाल के रखी हूँ। सॉस उसको तू ही डाली थी, किस हिसाब से डाली है तू यहाँ। तो दाल रख दी हूँ एक तरफ आलू डाल के, और एक तरफ चावल का पानी रख दी हूँ, और अपने लिए निकाल ली हूँ पास्ता। और अब चलूँगी पास्ता खाऊँगी, तो आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ पास्ता खा लीजिए। तो बस बोल ही पाऊँगी फ्रेंड्स, सॉरी। कभी आइए आप लोग मेरे घर तो ज़रूर खिलाऊँगी।